नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष चौधरी और मैं आपके लिए एक दुखद समाचार लेके आ रहा हूं। जी हां, आज 11 नवंबर को हमारा जो बेलापुर से और नेरुल से जो खारकोपर और बमन डोंगरी जो ट्रेन आने का स्टेशन था उसका उद्घाटन हुआ था, और आज है 9 दिसंबर और 2 महीने के अंदर आज पहली मौत ट्रेन से कट के हुई है। जी हाँ, ट्रेन का जो नियम होता है कि जब भी मोटरमैन गाड़ी लेके आता है तो उसका गार्ड जो है वो इस ट्रेन का एक्चुअली मालिक होता है, तो गार्ड ने मेमो दिया है कि हिट केस है ये, यानी कि गाड़ी के सामने वो आ गया और उसकी मौत हो गई। आगे की घटना मैं आपको दिखाऊंगा। जी हाँ, मैं बार बार गुहार लगाते रहा, यदि आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे और ट्रेन्स की जितनी भी न्यूज़ है उनको देखेंगे, रिसेंट तो मैं कहते रहा कि जीआरपी होनी चाहिए, आरपीएफ होना चाहिए। ये आरपीएफ का एक जवान बेलापुर से आया, उसकी ड्यूटी जबकि यहाँ नहीं थी। जी हाँ, और यदि ऐसी घटना होती है, और ठीक है ये तो नेग्लिजेंस ही ट्रेसपासर था, लेकिन अभी तक जो इन्फॉर्मेशन मिली है मेरा, और यदि ट्रेन के अंदर किसी महिला के साथ गलत व्यवहार होता है, या किसी का मर्डर ट्रेन में होता है, या ट्रेन में छेड़छाड़ होती है, तो उसका जवाबदार कौन है इन 40 ट्रेनों में? जी हाँ, सरकार आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस पर ध्यान दीजिए, सेंट्रल रेलवे आप इस पर ध्यान दीजिए, सिटको आप भी इस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपने स्टेशंस बनाए हैं। जी हाँ, हमने आपको धन्यवाद भी दिए हैं पहले, लेकिन अभी गुहार लगा रहे हैं, आपसे अपील कर रहे हैं, इस अपील को सुनिए, कहीं ऐसा ना हो कि जनता इतनी नाराज़ हो जाए सरकार से कि सरकार हटाओ का नारा ऑलरेडी लग रहा है। हम नहीं चाहते कि किसी भी तरह से, देखिए हम, मैं तो किसी पक्ष हूँ नहीं, लेकिन जो भी है वो जनता का निर्णय होगा, और अगर ऐसे काम होते रहेंगे तो जनता का निर्णय वाकई में सच निकलेगा। आगे देखिए जो हुआ। ट्रेसपासिंग में, जी हाँ, पहली मौत इस रेलवे ट्रैक के, इस रेलवे रूट के ऊपर और बमन डोंगरी खारकोपर के ऊपर ये घटना घटी। आगे देखिए, मैं आपको कुछ फुटेज दिखाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, हर रेलवे लाइन का एक इतिहास होता है, कोई अच्छा इतिहास होता है, कभी बुरा इतिहास होता है, मगर ये एक इतिहास बन गया कि 2 महीने भी नहीं हुए। जी हाँ, 11-11 को इनॉग्रेशन हुआ था और आज है 9 जनवरी, तो 2 महीने के भीतर भीतर एक मौत हुई है ट्रेन से कट के। दुख इस बात का है कि यहाँ पे जीआरपी और ना ही आरपीएफ इसका बंदोबस्त है। ये स्टेशन सिर्फ भगवान भरोसे चल रहा है। मेरी सरकार से दरख्वास्त है कि वो खारकोपर, बमन डोंगरी और इस रूट पे ध्यान दे, वरना जनता आपको वोट देती है ये सोच के कि आप उसकी रक्षा करेंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए आज तो ये कटा है, परंतु यदि ट्रेन में इस रूट के ऊपर कोई ऐसी घटना घटती है जिससे एक स्त्री अपमानित हो, या कोई पुरुष, या कोई मर्डर जैसी घटना, या रेप जैसी घटना, या चेन स्नैचिंग जैसी घटना घटती है, तो उसका जिम्मेदार कौन कौन कौन? जी हाँ दोस्तों, और देखिए खारकोपर रेलवे स्टेशन पर बॉडी लाई गई है, ये ट्रेसपासिंग केस था। बमन डोंगरी और खारकोपर के बीच में एक्सीडेंट हुआ है, आदमी कट चुका है। ये देखिए, ये है, आपको मैं बता दूं कि ये एरिया जो है वो जीआरपी के अंडर में आता है। जी हाँ, जीआरपी, लेकिन यहाँ पे जीआरपी का कोई भी अधिकारी उपलब्ध नहीं है, ना कि कर्मचारी भी। और ये है डेड बॉडी, जी हाँ, जो कि इंतज़ार कर रही है
हॉस्पिटल में जाने के लिए। पीएफ का एक ही जवान जो है वो बेलापुर से यहाँ आया है, ऐसी खबर मिल रही है। तो ये है पहला रेलवे एक्सीडेंट जो कि डेथ में कन्वर्ट हुआ है इस रूट के ऊपर। जी हाँ, बेलापुर टू खारकोपर और नेरुल टू खारकोपर। यहाँ पे कोई पोर्टर भी नहीं है, कोई हवलदार भी नहीं है, किसी तरह से इस बॉडी को लाया गया है और ये ट्रेन चल दी। जी हाँ, मी त्याला जवळजवळ 5 ते 6 वर्षापासून ओळखत होतो, पण माझ्या इथल्या गॅप मध्ये नव्हता तो कॉन्टॅक्ट मध्ये। मी कसा फोन केला? नाही बरोबर, माझा कॉल आहे छोटी बरोबर तो इसकी पहचान हो गई है, सिद्दीकी नाम है इसका। कॉन्टॅक्ट करा मोबाईल मध्ये, त्यांनी कॉल केला होता माझ्या समोरून त्यांनी कॉल केला इच्छा करणार। आपका नाम क्या है साहब? मेरा नाम सिद्धेश रमेश कवड़े। सिद्धेश रमेश कवड़े जी, धन्यवाद 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 धन्यवाद। आप कहाँ से हो? प्रॉपर क्रॉपर, वहाँ खारकोपर से। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पहचान लिया और इसलिए मदद मिल पाएगी। लेकिन इस पुलिस स्टेशन पे मैं देख रहा हूँ कि जीआरपी का कोई भी स्टाफ नहीं है। पुलिस को जो है वो काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ रही है, क्योंकि ये जो एरिया है वो ट्रैक पर जब होता है, एक्चुअली इस एरिया को जीआरपी के अंडर में आना चाहिए। ये एक्सीडेंट करीब करीब 1945 यानी कि 7:45 के आसपास अप्रॉक्सीमेटली हुआ है। और स्टेशन मास्टर जी के हिसाब से मेमो डैश का मिला है, यानी कि ये एक रेलवे क्रॉसिंग का मामला है। और ये पूरा नावा शिवा का पुलिस स्टाफ जो है वो यहाँ पे आया हुआ है, देख सकते हैं आप। ये पहला एक्सीडेंट मौत वाला है, इसके पहले एक लेडी भी खारकोपर पर गिरी थी, उसके दांत को चोट आई थी, थोड़ी सी चोट थी, लेकिन ये पहली डेथ है। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे देखिए, ये तो सबको मालूम है कि रेलवे लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए, रेलवे की लाइन पे संभाल के रहना चाहिए, मगर फिर भी कुछ लोग गलतियां कर जाते हैं। लेकिन उसके बाद, गलती होने के बाद जो सुविधाएं होनी चाहिए, जैसे कि जीआरपी है या पोर्टर है, हमाल है, वो तक की सुविधा नहीं है। और यदि ये किसी पुलिस स्टेशन की अंतर्गत दिया जाता है तो इसको प्रॉपरली एक पुलिस स्टेशन के अंडर में देना चाहिए कि भाई ये आप लीजिए। अब पूरी ट्रेन में हम पहले भी आपको दिखा चुके हैं, यदि आपको याद होगा, कि जीआरपी या आरपीएफ, देखिए आरपीएफ का एक जवान सिर्फ बेलापुर से आया हुआ है यहाँ पे, और बहुत ही जद्दोजहद करनी पड़ रही है। अब बॉडी को भेजना है हॉस्पिटल और ऐसा डिसीजन हो रहा है कि बॉडी को वाशी मानपा हॉस्पिटल में भेजा जाएगा। जी हाँ, वैसे हम डिक्लेयर करने रहे कि इंसान मर चुका है, लेकिन हमें देख के समझ में आता है, लेकिन कानून का प्रावधान कहता है कि जब तक डॉक्टर डेड सर्टिफिकेट ना दे तब तक इंसान को मृत घोषित नहीं कर सकते आप। तो ठीक है, हम कहते हैं कि ये आदमी इंजर्ड है, लेकिन सत्य छुपता नहीं है, सत्य हमेशा सत्य रहता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। यहाँ पे तुरंत फर्स्ट एड के लिए कोई भी
क्वालिफाइड पर्सन नहीं है जो कि डेड घोषित कर सके, पर इसी को कहते हैं कि कहीं ना कहीं हम कानून बनाने में चूक जाते हैं, या कानून बनाने में नहीं चूकते, कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम चूक जाते हैं। जी हाँ, और अच्छा है, लेकिन ये एक सबसे बड़ी दुखद घटना जो घटी है उसके लिए मुझे बहुत खेद है कि हालांकि आदमी की पहचान हो चुकी है। और रात के स्टेशन मास्टर जो हैं वो राहुल राही जी हैं, राहुल प्रसाद राही जी। हाँ, इस बॉडी को जो आरपीएफ का जवान लेके आया उनका नाम है उमा शंकर शुक्ला जी। जी हाँ, हेड कांस्टेबल, जिनको कि बेलापुर से आना पड़ा। हाँ, और ट्रेन का नंबर है KRNU 17 जो कि नेरुल से आती है। जी हाँ, उस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है। देखिए अब एक और ट्रेन आ चुकी है। जी हाँ, ये है वो जिन्होंने बॉडी की पहचान की है। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम सिद्धेश रमेश कवड़े है। ओके, मैं यहाँ का ही लोकल हूँ। ओके, तो सर ये आपने इनको पहचाना? हाँ पहचाना। इनका नाम? इनका नाम कुछ सिद्दीक है। सिद्दीक है? हाँ। पूरा नाम नहीं बता। सिद्दीक खान, ये सिद्दीक खान ऐसा कुछ है। और ये कॉन्ट्रैक्टर के जो जैसे आप? हाँ, ये सिविल कॉन्ट्रैक्टर वैसा वगैरह कुछ, सब कॉन्ट्रैक्टर का काम करते थे। ओके ओके ओके, तो ये मतलब ये स्टेशन मास्टर जो बोले हैं तो क्या वो? हाँ, क्या स्टेशन मास्टर के अनुसार है कि ये ट्रेसपासिंग का गुनाह है। ओके, तो उसने शायद ट्रेसपासिंग करने के टाइम पे ये हुआ एक्सीडेंट। ओके, और इनके घर वाले भी आ रहे हैं? हाँ अभी घर वाले आ रहे हैं। अच्छा। उनको कांटेक्ट किया था यहाँ के पुलिस ने जी, बट जी। यहाँ पर वो GRP नहीं है। हाँ, GRP नहीं है, RPF भी नहीं है। RPF भी नहीं है, और भी बहुत सारे इशू है जी। तो यहाँ पर अभी हमारे गांव को लगकर ही वो ट्रैक है जी। तो कोई बाउंड्री वगैरह मारा नहीं अभी तक रेलवे ने जी, या सड़कों ने कुछ उसके लिए जी, हेल्प जी, नहीं किया है जी, जी, जी। हम चाहते हैं कि वो भी हो जाए जी, मतलब जी, ये घटना जो हो रही है ऐसे फिर कभी ना हो इन फ्यूचर। जी 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 जी, हम तो मांग करेंगे ही जी जी जी, और हम मांग करने की कोशिश में भी है जरूर। हाँ, और आपका भी हमें सपोर्ट लगेगा जी जी जी, बिल्कुल।